हेलो। हेलो, सभी जुड़ जाए फटाफट से। हेलो, मोबाइल तो साइड में मुझे बोलो, फोन आ दे रहा हूँ। हाँ आई बोल मैंने। चुका हूँ। हाँ लो। हाँ हाँ कर लो। हेलो, आ गए? मेरी आवाज आ रही है? कौन रहने को? हेलो, चलिए चल पढ़ते हैं हम लोग। मैं सबसे पहले अमूल के पेज पर आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ और थैंक यू, धन्यवाद कि अमूल ने मुझे ये मौका दिया है, अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ मैं दीपा मैम, स्मिता मैम और कवि निधिरा मैम का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं बनाने वाली हूँ चीज पिज्जा स्टफ पराठा, जो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों को अच्छी रहेगी हेल्थ वाइज। तो हम उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं वो बताते हैं। चलो, ये मैंने लिया है अमूल का घी, अमूल मोजरेला चीज, कॉर्न, ये लिया है पिज्जा मिक्स, चिली फ्लेक्स, नमक, ये पिज्जा टॉपिंग सॉस मतलब पिज्जा सॉस है, ये है कैप्सिकम, ये मैंने बारीक बारीक ऑनियन है, ये पनीर के स्लाइस है छोटे छोटे, ये बटर है और ये प्रोसेस चीज है। अब हम सबसे पहले आटा गूंध लेंगे, जो कि मैंने 10 मिनट पहले आटा गूंध के रखा है। इसमें मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच अमूल का घी और पानी से 10 मिनट पहले गूंध लिया था। अब हम उसका मिश्रण तैयार करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे चॉप किया हुआ अनियन, उसके बाद में ये लिया है कैप्सिकम, जो 3 चम्मच लिया है। अब लेंगे हम बॉइल्ड कॉर्न है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितना भी डाल सकते हैं। इसमें आप और कोई भी सब्जी डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। इसमें हम पनीर के छोटे छोटे स्लाइस जो किए हैं वो डाल देंगे। मुझे पनीर ज्यादा अच्छा लगता है तो मैंने पनीर ज्यादा लिया है थोड़ा। इसमें डाल देंगे हम, ये हमारा मोजरेला चीज है, उसके बाद हम 2 चम्मच पिज्जा सॉस डालेंगे। उसके बाद हम पिज्जा का मसाला, ओरेगानो और सब मिक्स आता है पिज्जा हब, वो लिया है।
उसके बाद चिली फ्लेक्स हम अपने हिसाब से लेंगे, जितना तीखा खाना चाहो उतना ज्यादा ले सकते हैं। और थोड़ा सा सब्जी के लिए नमक डाल देंगे ताकि सब्जी फीकी ना लगे। उसमें हम प्रोसेस चीज छीन लेंगे। अब हम सब मिक्स कर लेंगे। चलिए देखकर किसी को खाने का मन हो रहा है? ये देखिए मिक्स फूड किया हुआ कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल हो गया है सब हमारा। इसमें आप कोई और भी सब्जी डाल सकते हैं। ये हम पराठे के साथ बनाएंगे क्योंकि अब हम पराठा बनाएंगे तो वो हेल्दी हो जाएगा। आजकल पिज्जा खाना सबको पसंद है तो पिज्जा को ये नया वेरिएशन दिया है मैंने। देखिए अब हमारा मसाला रेडी हो गया है। चलिए अब हम पराठा बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक छोटी सी लोई ली है। इसको हम आटा में डालकर रोटी के जैसे ही बना लेंगे। ऐसी हम तीन चार रोटी बना लेंगे जो एक जैसी हो। थोड़ी छोटी बड़ी चलेगी। अभी अब हम यहाँ तीन चार रोटी बेल लेंगे। चलिए किसी को मन हो रहा है आने का? चलिए अब हमारी चार रोटी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी पिज्जा सॉस लगाएंगे। उसके ऊपर ये बनाया हुआ स्टफिंग भरेंगे। आप देख सकते हैं कि स्टफिंग कितना अच्छा लग रहा है। देखिए अगर और चीज डालना चाहे आप तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। और ये दूसरी रोटी को ऐसे हम बिना एयर के पैक कर लेंगे। हो गया। अब ये ऐसी मैंने कटोरी ली है, आप कोई भी आपके पास हो तो यूज कर सकते हैं। और इसे हम यहाँ पर दबा देंगे ताकि हमें मिनी पराठा मिले।
देखिए हमारा पराठा तैयार हो गया है। अभी इसको हम ऐसी चम्मच से डिजाइन बना देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा पराठा। अब ऐसा ही हम दूसरा भी पराठा बना लेंगे। उसके लिए पहले पिज्जा सॉस लिए हमने, और फिर वापिस वही स्टफिंग भरना है। स्टफिंग अच्छे से भरिएगा, जितना स्टफिंग भरेंगे उतना अच्छा लगेगा। अमूल की प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छी आती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। चलिए ये हमारा दूसरा पराठा भी बन गया है और ऐसी डिजाइन बना लेंगे ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमने यहाँ पर एक पैन रख दी है गैस पर। अब उसमें हम थोड़ा सा पहले घी डाल देंगे। अगर डायरेक्ट बटर डाल देंगे तो चिपक जाएगा। थोड़ा सा घी डाल के ऐसे फैला लेंगे। यहाँ पर मैंने अमूल का घी यूज किया है। अब हम ये पराठा रख देंगे। एकदम धीमी आंच पर ये पराठा सेकना है दोनों तरफ से। ये पराठा हो रहा है तब तक हम एक पराठा और बना लेंगे। ये पराठा पिज्जा के जैसा ही लगेगा और स्वाद में उससे ही बढ़िया लगेगा। अब हम एक तरफ से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें अमूल का बटर जो है वो डालेंगे। अमूल का बटर का स्वाद बहुत ही अच्छा रहेगा इस पर और हेल्थ में भी अच्छा रहता है अमूल। अब धीरे धीरे सेकेंगे पलट पलट के। एक तरफ से थोड़ा हो जाए तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा के अंदर से अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए देख रहे हैं आप कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब इस साइड भी हम अमूल लगा लेंगे। अमूल का बटर बहुत ही अच्छा आता है। इसी तरह हम सब पराठे सेक लेंगे। एक पराठा में और बना लेंगे। अब हम वापस इसको पलट लेंगे। देखिए आप देख रहे हैं हमारे पराठे का कलर ब्राउन एकदम हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है हमारा पराठा। देखकर किसी को खाने का मन हो रहा है तो चलिए आ जाइए। फटाफट गरम गरम बन रहा है। देखिए एकदम हमारा पराठा फूल गया है।
अब हम इसको निकाल लेंगे बटर पेपर। एक पेन में हमने बटर पेपर रखा है, इसमें निकाल लेंगे। अब हम सेम उसी तरह दूसरा पराठा भी सेकेंगे। और ये हमारा तीसरा पराठा भी बन रहा है। कोई आना चाहता है तो फटाफट से आ जाइए। देखिए कितना फटाफट हो रहा है ये। आप ये नाश्ता बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। अब इसमें भी हम बटर डाल के बहुत अच्छी तरह से सेक लेंगे। चलिए कोई आना चाहता है देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा सिक रहा है। ऐसा कलर आएगा तो पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम सेम प्रोसेस से तीसरा पराठा भी बना लेंगे। देखिए कलर अच्छा आ रहा है। इसको भी हम निकाल लेंगे और एक पराठा और सेक लेंगे। चलिए एक पराठा और सेक लेते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन करेंगे। बटर से देख रहे हैं आप कितना अच्छा स्मेल आ रहा है और टेस्ट भी आएगा। किसको किसको पसंद है बटर, और जिसको अच्छा लगे वो कमेंट करना। ये हेल्दी रेसिपी मैंने स्पेशली बच्चों के लिए बनाई है। इसमें मैंने भर भर के बटर डाला है। आप अपने हिसाब से ज्यादा कम डाल सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट मैंने सभी डाले हैं उसका श्रेय पूरा अमूल को जाता है कि जिसने हमें बहुत ही अच्छा बटर पनीर और चीज दिया है। देखिए हमारा पराठा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। चलिए अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा पराठा अच्छा लग रहा है ना। अब हम इसको एक को काट कर आपको बताते रहे। देखिए हमारा पराठा पूरा चीजी चीजी हो रखा है। देखिए इसमें से चीज निकल रहा है। देखिए पूरा गरम है ना। देखिए चलिए अब हम इसको प्रेजेंटेशन करेंगे।
देखिए आप देख रहे हैं पनीर चीज पूरा देखिए ये चीज हमारा मोजरेला जो खींच रहा है देखिए हो गया हमारा और इसके ऊपर हम थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल देंगे देखिए अच्छा लग रहा है इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बटर डाल देंगे तो अच्छा लगेगा तो उसके लिए थैंक यू हम आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं।